सो फाइनली पाकिस्तान के अंदर टीमू नाम का एक नया ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया गया है। यहाँ पर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म दराज था, दराज के बाद अब टीमू ने जगह ले लिया दूसरे नंबर के ऊपर। ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो कि पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आप लोग कोई भी चीज जो है वो घर बैठे बैठाए ऑर्डर कर सकते हैं। अब कोई भी चीज ऑर्डर करनी कैसे है, इसका अकाउंट बनाने से लेकर पार्सल रिसीव करने तक का कंप्लीट प्रोसीजर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप लोगों ने शुरू से आखिर तक लाजमी देख लेना है ताकि इसमें किसी भी किस्म का पार्ट मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं दी उस्मान है। दरअसल चलते हैं वीडियो की तरफ। अब इस टीमू ऐप के अंदर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे, डेफिनेटली उस सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं यहां पर आप लोगों के क्लियर करूंगा कि कैश ऑन डिलीवरी ये देते हैं नहीं देते, अगर देते हैं तो कैसे देते हैं, और पेमेंट हमने कैसे करनी है, पेमेंट डिक्लाइन क्यों हो जाती है, और आप लोग कोई भी ऑर्डर करते हैं तो जिस स्टोर से आप ऑर्डर कर रहे हैं टीमू के अंदर, उस स्टोर वाले से आप लोग बात कैसे कर सकते हैं, चैट कैसे कर सकते हैं, और अगर आप टीमू के प्लेटफॉर्म में बात करना चाहते हैं, लाइव चैट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, और ऑर्डर कैसे करना है, उसको ट्रैक कैसे करना है, सारी की सारी चीजें आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वन बाय वन बताने जा रहा हूं। तो यहां पर जल्दी से आ जाते हैं मोबाइल स्क्रीन की जाने। इस काम के लिए सिंपली आप लोगों ने आ जाना है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर और यहां पर आप लोगों ने टीमू नाम की ऐप को सर्च कर लेना है। एप्पल स्टोर के ऊपर भी डेफिनेटली अवेलेबल होगी। तो यहां से सिंपली आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप ओपन करेंगे तो यहां पर इंस्टॉल करने से पहले एक दो चीजें मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर अगर रेटिंग वाली साइट पे है, यहां पर 5 मिलियन लोगों ने रिव्यूज दिए हुए हैं और 4.2 की रेटिंग है, और यहां पर इस साइट पे 100 मिलियन लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया हुआ है। अब आप लोग कहेंगे कि 100 मिलियन लोगों ने कैसे ऐप को डाउनलोड किया, अभी रिसेंटली तो ये लॉन्च हुई है। यहां पर आप लोगों को ये मैं बता दूं कि ये ऐप जो है ये ग्लोबली लॉन्च हुई हुई है और यहां पर 80 से ज्यादा ममालिक के अंदर ये ऐप वर्क कर रही है। तो पाकिस्तान में तो आई ही अब है, लेकिन ये ट्रस्टेड ऐप है और इतने ज्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक ट्रस्टेड ऐप है, ये कोई दो नंबर ऐप नहीं है। यहां से आप लोगों ने सिंपली इसको ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे तो ये वाला कुछ इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा, तो वो कहेगा कि इसको लॉग इन करें। तो लॉग इन करने के लिए आप यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक तरीका कार है, मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, यहां से जैसे आप आएंगे तो ये नीचे एंड के ऊपर यू वाला ऑप्शन आ रहा होगा, दूसरे तीसरे नंबर वाला ऑप्शन जो है, इस यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहां पर आप लोगों ने साइन इन एंड रजिस्टर वाला ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहां पर आप लोग एरो पे क्लिक करके फोन नंबर के थ्रू भी जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सिंपली, या फिर जो है आप फेसबुक के थ्रू, ईमेल के थ्रू और गूगल के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं सिंपली गूगल के थ्रू करता हूं। तो ये मैंने सिंपली गूगल के थ्रू लॉग इन कर लिया, एक क्लिक के ऊपर लॉग इन हो गया है। यहां पर ये वाली स्क्रीन मेरे सामने ओपन होकर आ गई है। अब यहां पर यू वाले ऑप्शन पर ही रहते हुए आप लोगों ने एक दो चीजें कर लेनी है जिससे ऑर्डर करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। वो क्या तरीका कार है कि सबसे पहले आप लोगों ने एड्रेसेस वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है, एड न्यू एड्रेस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहां पर रीजन ऑलरेडी पाकिस्तान सेलेक्ट हुआ है, दूसरे नंबर के ऊपर फुल नेम वो पूछ रहा है तो मैं अपना नाम लिख लेता हूं फुल। नाम लिखने के बाद वो फोन नंबर मांग रहा है, फोन नंबर लिखने के बाद आप लोगों ने प्रोविंस सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं पंजाब मैंने सेलेक्ट कर लिया, और पंजाब में कौन सा सिटी है सिटी आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं जल्दी से यहां से रावलपिंडी सेलेक्ट कर लेता हूं। और रावलपिंडी के साथ ही वो कह रहा है कि पोस्टल कोड कौन सा है। अब यहां पर बहुत सारे लोग फंस जाते हैं कि भाई हम कौन सा पोस्टल कोड ऐड करें, तो इसके लिए आप लोगों ने सिंपली अपने गूगल के ऊपर आ जाना और यहां पर सर्च कर लेना है। जैसे कि मैं गुलजारे कायद का सर्च कर लेता हूं, मैंने यहां पर सर्च किया गुलजारे कायद पोस्ट कोड। अब पोस्ट कोड, पोस्टल कोड, जिप कोड, ये सब सेम चीजें हैं, तो इस वजह से आप लोगों ने घबराना नहीं है। ठीक है, यहां पर कुछ भी लिख के सर्च कर सकते हैं, आगे पोस्ट कोड, पोस्टल कोड या फिर जिप कोड भी सर्च कर सकते हैं। तो मैंने ये सर्च किया, तो यहां से जैसे ही मैं थोड़ा सा ऊपर स्वाइप करता हूं तो यहां पर लिखा हुआ आ रहा है कि 46222 ये इसका पोस्टल कोड है, यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इसी के साथ नीचे वाली वेबसाइट के ऊपर देखें तो वहां पर भी आप लोगों को 46200 ही पोस्टल कोड नजर आएगा, 222, और यहां पर तीसरे नंबर वाली वेबसाइट पर भी यही सेम लिखा हुआ है, जिससे कंफर्म होता है कि पोस्टल कोड जो है 46222 ही है। तो मैंने सिंपली यहां पर सर्च कर लेना है, 46200 लिख के भी सर्च कर सकता हूं, लेकिन यहां पर ये लिखा हुआ आ भी जाएगा 46222 ये लिखा हुआ आ रहा है। सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और अब वो पूछ रहा है कि यहां पर स्ट्रीट, बिल्डिंग और हाउस नंबर लिखें, तो मैं जल्दी से यहां पर अपना एड्रेस लिख लेता हूं कंप्लीट। तो ये मैंने अपना एड्रेस लिख दिया। अब यहां पर नीचे वो कह रहा है कि कोई अपार्टमेंट है, कोई यूनिट है, कोई ऐसी चीज देना चाहें तो आप दे सकते हैं, ऑप्शनल है, लेकिन आप देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं ये कहता हूं कि मेरा घर जो है वो HBL बैंक के साथ वाली गली में है, तो यहां पर मैंने लिख दिया कि मेरा घर जो है वो नियर HBL बैंक है, तो यहां पर मैं इसको सिंपली सेव कर दूंगा। वो कहता है फोन नंबर आप लोगों ने लिखा, तो जल्दी से फोन नंबर लिख लेता हूं मैं और सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूं। तो यहां पर एडिट माय एड्रेस, इट इज करेक्ट, मैं कहता हूं इट इज करेक्ट, तो ये मेरा एड्रेस ऐड हो गया। मैं ऐड न्यू पे क्लिक करके नया एड्रेस भी ऐड कर सकता हूं, इसमें एडिटिंग करना चाहूं तो ये एडिट वाला ऑप्शन है, कॉपी डिलीट भी करना चाहूं तो कर सकता हूं। तो मैं बैक के ऊपर चला जाता हूं और यहां से होम वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाता हूं। यहां पर बहुत सारी चीजें आ रही होंगी, मैं इनमें से कोई भी चीज ऑर्डर कर सकता हूं, या फिर यहां पर डील्स वाला ऑप्शन आ रहा है कि कोई अगर डील चल रही है वो डील यहां पर आना शुरू हो जाएगी, जैसे कि यहां पर डील्स वगैरह आ रही है। यहां पर 5-स्टार रेटेड जो है जितने भी लोग होंगे, जितने भी स्टोर्स होंगे वो यहां पर आ जाएंगे, तो वो प्रोडक्ट्स आप लोग यहां से परचेस कर सकते हैं।
जैसे कि ये 5-स्टार रेटेड है। उसके बाद बेस्ट सेलर जो है वो उनकी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी, जिनकी जैसे कि 27,000 सेल हुई है, ये 43,000 यूनिट सेल हुआ है, ये 62,000 यूनिट सेल हुआ है, मतलब इस तरह की चीज़ें आप लोग देख सकते हैं कि बेस्ट सेलर्स जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। 11-11 की सेल जो है वो यहाँ पर चल रही होगी, उसको देख सकते हैं। न्यू अराइवल जो है वो यहाँ पर आ रहा होगा, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। मैं ऑल के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ऊपर लाइटिंग डील्स आ रही होंगी, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर वो वाली डील्स आ रही होंगी जिनकी प्राइस वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट बहुत ज़्यादा दिया गया है। अब कितना दिया गया है मैं वन बाय वन देख लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये 1292 रुपए की कैप है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 532 रुपए की दी जा रही है। इसी तरीके से यहाँ पर ये 2080 रुपए के स्ट्रैप्स हैं, जो कि 814 रुपए के अंदर दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके की ये चीज़ें दी गई हैं, तो इनको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, और यहाँ से ऊपर सर्च करके भी आप लोग जा सकते हैं। सर्च में भी ये ज्वेलरी सर्च करना चाहें, ज्वेलरी है, वुमेन, मैन, होम, किड्स, ये सारी चीज़ें भी आ रही हैं, तो वो भी सर्च कर सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर विंटर जैकेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर कोई भी लिख के आप सर्च कर सकते हैं। अब बिल्फर्ज में ये वाली जैकेट मुझे पसंद आ जाती है, तो इसको खरीदने से पहले आप लोगों ने एक दो चीज़ें देख लेनी है। जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर स्वाइप करेंगे, तो यहाँ पर पहले तो आ रहा है फ्री शिपिंग है, ये तो कंफर्म सी बात है, ये फ्री शिपिंग दे रहे हैं। आप कैसे दे रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब यहाँ पर ये रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने रिव्यूज़ लाजमी पढ़ लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर टोटल 2 रिव्यूज़ हैं, तो चले मैं कोई और चीज़ देख लेता हूँ जो मुझे पसंद आती है, लेकिन उसके रिव्यूज़ ज़्यादा। जैसे कि ये एक चीज़ है, ठीक है, ये मुझे अगर बिल्फर्ज पसंद आ गई है तो मैं थोड़ा सा ऊपर करूँगा, और यहाँ पर ये रिव्यूज़ आ रहे हैं, 4.8 की रेटिंग है और 3544 लोगों ने रिव्यूज़ दिए हुए। मैं रिव्यू वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक करता हूँ आइटम रिव्यूज़ पे, तो यहाँ पर बहुत सारे जो है रिव्यूज़ आ जाएंगे। तो मैं पिक्चर वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक करता हूँ, जो लोगों ने पिक्चर्स के साथ रिव्यूज़ दिए हुए हैं, तो उससे चीज़ कन्फर्म हो जाती है, पता चल जाता है कि लोगों को जो पार्सल डिलीवर हुए वो किस तरह के हुए। तो मैं आगे करता जाऊँगा, बहुत सारे लोगों के रिव्यूज़ हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे, जिससे मुझे देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरह की प्रोडक्ट जो है वो सेंड करें। यहाँ पर वीडियो भी लोगों ने अपलोड की हुई है, तो वीडियोज़ भी आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से आप लोगों ने साइज सेलेक्ट कर लेना है कि आप लोगों को एक्सल, डबल एक्सल चाहिए, एक्सल चाहिए, लार्ज चाहिए, मीडियम चाहिए या स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आ रही होंगी। तो जो साइज़ आप लोगों ने सेलेक्ट करना है वो कर लेना है। और साइज़ गाइड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर जो है साइज़ की गाइडनेस भी दी गई है कि कौन सा साइज़ कितना है और ये आप लोगों को पूरा आएगा नहीं आएगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही होंगी कि यहाँ पे उसका ब्रेस्ट वेस्ट हाइट ये कितनी है, वो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा स्मॉल में कितनी है, स्मॉल में कितनी है, सारी चीज़ें। अब बिल्फर्ज में स्मॉल वाला ऑप्शन सिंपली सेलेक्ट करता हूँ और एड टू कार्ट वाला ऑप्शन पर करता हूँ। अब यहाँ पर कार्ट में एक लिखा हुआ आ गया। अब कार्ट का क्या मतलब है कि एक टोकरी है, जैसे कि आप लोग किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, एक बास्केट लेते हैं, उसके अंदर सारा सामान डालते जाते हैं और एंड के ऊपर जो है ना आप काउंटर के ऊपर बिल पे करते हैं और यह सारी चीज़ें लेकर घर चले जाते हैं। यहाँ पर अभी आप चीज़ें जो पसंद आती है वो बास्केट के अंदर डालते जाएं और आखिर के अंदर आप लोग पेमेंट करें, और पेमेंट करने के बाद वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और वो ऑर्डर आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। और चैट की मैं बात कर रहा था कि ये जिस बंदे ने ये आर्टिकल लगाया हुआ है, इस बंदे से अगर आप बात करना चाहते हैं, जो बंदा ये सेल कर रहा है, कि भाई ये आप लोगों के पास इस तरह की चीज़ अवेलेबल होगी या नहीं, अगर बात करना चाहते हैं, तो ये क्लॉथ फ्री स्टाइल वाला ऑप्शन आ रहा है। 2700 प्लस फॉलोअर्स हैं और 1,00,000 से ज़्यादा चीज़ें ये सेल कर चुके हैं। 4.7 की रेटिंग है और यहाँ पर ये इसकी डिटेल्स आ रही हैं। तो सिंपली आप लोगों ने चैट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, छोटा सा चैट वाला ऑप्शन आ जाता है, तो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप लोग कुछ भी लिख के उसको मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप लोग ये वाला अबाउट इस चीज से रेलेवेंट, आप इसी आर्टिकल से रेलेवेंट कोई चीज पूछना चाहते हैं, तो नीचे सेंड वाले ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते तो उसको पता चल जाता है कि आप लोग इस आर्टिकल के बारे में डिटेल देना चाह रहे हैं। अब यहां पर कोई भी मैसेज करके उसको सेंड कर सकते हैं, या फिर यहां पर पिक्चर कैमरे के थ्रू और कोई डॉक्यूमेंट वगैरह यहां से आप अपलोड कर सकते हैं। और इसी के स्टोर के अंदर कोई चीज सेलेक्ट करना चाहते हैं कि इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप लोग उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको यहाँ पे ऑप्शन नजर आ जाएगा। मैं बैक के ऊपर चला जाता हूँ, यहाँ पर आप एक से ज्यादा चीज़ें भी, बेशक 100 चीज़ें भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। बिल्फर्ज मुझे ये भी चीज़ पसंद आ जाती है, बिल्फर्ज मैं कुछ और चीज़ें, जैसे ये मुझे कपड़े पसंद आ गए, तो इसके रिव्यूज़ भी आप लोगों ने देख लेने हैं सबसे पहले, तो उसके बाद ऐड टू कार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना अगर आपको पसंद आ जाते हैं। मैं स्मॉल या मीडियम वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और ऐड टू कार्ट पर करता हूँ, तो ये ऐड टू कार्ट हो गया है। तो ऐड टू कार्ट जाने से पहले मैं एक दफ़ा बैक के ऊपर जाता हूँ, मजीद बैक के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूँ कि लिमिटेड टाइम के लिए फ्री शिपिंग दे रहे हैं। अगर कोई भी मैं चीज़ परचेज करता हूँ तो मुझे शिपिंग फ्री मिलेगी, तो ये चीज़ आप लोगों ने देख लेनी है। अब जो बास्केट आ रही थी वो बास्केट कहाँ गई, वो बास्केट आ गई है यहाँ पर। इस बास्केट वाले ऑप्शन के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये मेरा वो जो मैंने सूट सेलेक्ट किया था वो आ गया। सूट तो नहीं था एक्चुअली, में ये शर्ट थी, ठीक है, और इसी के साथ साथ नीचे मैंने कोट सेलेक्ट किया वो आ गया। तो ये दोनों चीज़ें मेरे सामने आ गई हैं। याद रहे कि कम से कम आप लोगों को 4,000 की शॉपिंग करनी होगी तभी आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर कम की ऑर्डर करते हैं तो आप लोगों का ऑर्डर नहीं हो पाएगा, बिकॉज उसकी रीज़न ये है कि ये आउट ऑफ कंट्री से चीज़ें आती हैं, पाकिस्तान से ही उठा के आप लोगों को नहीं
भेज दी जाती, तो ये बाहर से आनी होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट उनको पड़ती है क्योंकि ये फ्री डिलीवरी आपको दे रहे हैं। तो इनकी एक ये डिमांड है कि कम से कम आप 4,000 रुपये की शॉपिंग करें तभी आपको पार्सल डिलीवर किया जाएगा, उसके बगैर चेकआउट ही नहीं होता आगे। अच्छा, ये 6,000 रुपये की शॉपिंग होगी है, तो ये यहाँ पर डिटेल्स आ रही हैं कि 6,258 रुपये मुझे देने हैं इनको। चेकआउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ मैं, तो मैंने उसको क्रॉस कर दिया। वो कहता है कोई और भी चीज़ अगर आप परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं कहता हूँ मुझे कोई और चीज़ नहीं चाहिए। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब यहाँ पर लोग बहुत सारे फंसते हैं कार्ड और गूगल पे के हवाले से, कैश ऑन डिलीवरी और इन चीज़ों के हवाले से, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने एड्रेस दिया था वो एड्रेस आ गया। अगर इसके अलावा कोई और ऐड करना चाहते हैं तो एड्रेस वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड न्यू एड्रेस पर क्लिक करके नया एड्रेस ऐड कर सकते हैं। इसी को एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। तो मैं बैक हो जाता हूँ, कार्ड और गूगल पे का ऑप्शन आ रहा है। कार्ड वाले ऑप्शन के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर, ये चीज़ें ऐड करेंगे। अब ये CVV नंबर क्या होता है, कार्ड नंबर क्या होता है, एक्सपायरी डेट क्या होती है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ, जरा वेट एक सेकंड। यहाँ पर शिपिंग फ्री आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, 6,258 रुपये आप लोगों ने देने हैं। और सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर सबमिट होगा जब आप लोग यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। और स्कैन कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करें तो आप लोगों को सिर्फ कार्ड स्कैन करेंगे और पेमेंट हो जाएगी। तो मतलब कार्ड आपने ये कार्ड पकड़ा हुआ, कार्ड सामने रखेंगे स्कैन कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, जैसे ही आप सामने कार्ड लाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो डाटा फेक्ट कर लेगा और यहाँ पर डाटा ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा और यहाँ से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब ये कार्ड नंबर जो होता है, जो भी आप कार्ड होता है आपके पास, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह, उसके ऊपर ATM कार्ड नंबर लिखा होता है, वो कार्ड नंबर आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। साथ में एक्सपायरी डेट लाजमी लिखी होती है, वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देनी है। कार्ड की बैक साइड के ऊपर 4 अंशों का या 3 अंशों का एक CVV कोड होता है, ठीक है, वो आप लोगों ने यहाँ पर लिख लेना है। ये 3 चीज़ें यहाँ पर आप लोगों ने फिल आउट कर लेनी है। अगर आपके पास कार्ड नहीं है उसकी डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ कि आपने कैसे करना है। तो यहाँ पर गूगल पे का ऑप्शन भी है, इसके थ्रू भी आप लोग इजीली पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद टीमू ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है कि अगर आप लोग जो है वो 98 रुपये देते हैं तो आपके नाम का एक ट्री लगा दिया जाएगा। अब ट्री की कहाँ पे लगाया जाएगा, उसकी क्या डिटेल्स हैं, वो इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग चेक कर सकते हैं। अफ्रीका के अंदर जो है ये ट्री प्लांटिंग का प्रोग्राम जो है इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे मज़ीद डिटेल्स आ रही हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि अगर आप लोग डिलीवरी की गारंटी ये देते हैं कि डिलीवरी 100% आप लोगों को मिलेगी, अगर डिलीवरी टाइम से ना मिले आप लोगों को तो ये डिलीवरी जो है इसकी बजाय 280 रुपये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके अकाउंट में ये इसके अंदर ऐड कर देंगे कि भाई हमसे माजरत कि हमारी तरफ से पार्सल लेट आपको डिलीवर हो रहा है। और अगर कोई चीज़ टूटी हुई है यानी कि इफ़ आइटम इज़ डैमेज तो आप लोग रिटर्न इजीली कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। और ये पार्सल जो है यहाँ पर शिपिंग डेट भी आ रही है, 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के दरमियान मिलेगी और आज 23 तारीख है। अब ये वीडियो थोड़ा सा लेट भी हो सकती है लेकिन ये आप लोगों को ये 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के दरमियान टाइम लगेगा इस पार्सल को डिलीवर होते होते। अब यहाँ पर इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर लेपर्ड्स और 2 कंपनीज और हैं जिनके थ्रू जो है आप लोगों को ये डिलीवरी दी जाएगी जो भी चीज़ आप मंगवाएंगे। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप लोगों के पास कार्ड नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो आप लोगों ने नया पे का एक सिंपल अकाउंट बना लेना है और सादा पे का अकाउंट बना लेना है, दोनों में से किसी चीज़ का भी अकाउंट बना सकते हैं, जैसे इजी पैसा, जैश कैश से। इसी तरीके से यहाँ पर नया पे और सादा पे है और उनका जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ATM कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाता है जिसके थ्रू आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग कहते हैं कि भाई मुझे आज ही पेमेंट करनी है तो आप नया पे का अकाउंट बनाएं, थोड़ी देर में अकाउंट एक्टिव हो जाएगा और उसी के अंदर वर्चुअल कार्ड का ऑप्शन होता है। वो कार्ड यानी कि आप लोगों के पास फिजिकल नहीं होगा लेकिन वो कार्ड जो है वो ऐप के अंदर ही एक्टिव करेंगे आप कार्ड को और वहीं से डाटा उठा के यहाँ पर आप ऐड करेंगे और उसके थ्रू यहाँ पे पेमेंट करेंगे और आपकी पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगी। इस तरीके के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जैस कैश या जी पैसा के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। वो कैसे करनी है कि उनका भी डेबिट कार्ड जो है आप ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे ही कार्ड आप लोगों को मिलता है तो उसके थ्रू भी आप लोग यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं लेकिन डायरेक्टली जैस कैश या जी पैसा से नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप लोग जैस कैश या जी पैसा के डेबिट कार्ड के थ्रू भी करते हैं या फिर आप किसी बैंक अकाउंट के थ्रू करते हैं या नया पे सादा पे के थ्रू भी करते हैं और आपकी पेमेंट नहीं होती तो इसका मतलब यह कि आप लोगों ने इंटरनेशनल पेमेंट वाला जो सेशन है वो इनेबल नहीं किया हुआ। नया पे या सादा पे के अंदर जो है आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वाला ऑप्शन, उसको अगर इनेबल कर देते हो तो पेमेंट हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास कोई और बैंक है, इजी पैसा, जैस कैश या किसी भी और कंपनी का बैंक है, MCB, UBL कुछ भी बैंक है, तो आप लोगों ने उनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करनी है और बताना है कि मैंने ऑनलाइन पेमेंट करनी है इंटरनेशनली तो मेरा जो ऑनलाइन इंटरनेशनल बैंकिंग वाला सेशन वो इनेबल कर दें। तो वो आपसे नाम पूछेंगे आपका, वो आपसे आपका ID कार्ड नंबर, आपकी वालदा का नाम और कार्ड की एक्सपायरी डेट, जो आपके पास ATM कार्ड है वो आपने, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी है। तो वो पूछेंगे कितनी देर के लिए आप लोगों ने ये सेशन इनेबल करवाना है, तो वो आप बताएंगे तो आप लोगों का सेशन इनेबल हो जाएगा। तो उस सूरत में आप लोग यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। डायरेक्टली आप पेमेंट करें तो पेमेंट डिक्लाइन आ जाएगी, पेमेंट जो है वो नहीं होगी और यहाँ से आप लोगों ने सबमिट ऑर्डर पर क्लिक कर देना है ये सारी चीज़ें करने के बाद। अब यहाँ पर 1-2 चीज़ें और भी हैं, वो मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बता देता हूँ। यहाँ से जैसे ही आप लोग यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो योर ऑर्डर्स, यहाँ पर आप लोगों के तमाम ऑर्डर्स आ जाते हैं, ऑल ऑर्डर्स इधर, प्रोसेसिंग वाले ऑर्डर इधर आ जाते हैं, शिफ्ट ऑर्डर इधर आ जाते हैं, डिलीवर्ड
ऑर्डर इधर आ जाते हैं, रिटर्न जो है वो सारी यहाँ पर आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। जो आप लोगों ने आज तक रिव्यूज़ दिए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, कूपन एंड ऑफर्स जो है वो यहाँ पर आ जाएंगी, क्रेडिट एंड बैलेंस जो है जितना भी आप लोग बैलेंस यहाँ पर ऐड करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा, या जो आप रिटर्न करते हैं उसकी सूरत में जो आपको पैसे वापस मिलेंगे वो इधर आ जाएंगे, जिसके थ्रू आप पेमेंट वापस निकलवा भी सकते हैं। उसके बाद एड्रेसेस मज़ीद ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं यहाँ पर, और मैसेजेस सारे यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद अगर आप टीमों की टीम से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो, या कोई इशू आ जाता है टीमों के ऑर्डर के हवाले से, तो यहाँ पर आप लोग ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है ऊपर हेडफोन वाला, इस ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक करके यहाँ से आप लोग जो है उनसे लाइव चैट भी कर सकते हैं कि भाई मुझे ये इशू आ रहा है, इसका सोल्यूशन बताएं, तो वो डेफिनेटली आपका मसला हल करेंगे। जैसे दराज में लाइव चैट आप कर लेते तो वो यहाँ पर भी आप लोग लाइव चैट कर सकते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।